महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली में है तीसरे अष्टविनायक श्री बल्लालेश्वर। श्री बल्लालेश्वर एकमात्र अष्टविनायक हैं जहां भगवान गणेश आम आदमी के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि विनायक ने यहां पर अपने एक परम भक्त बल्लाल को ब्राह्मण के रूप में ऐसे ही कपड़ों में दर्शन दिए थे। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा है। कहानी के मुताबिक बहुत साल पहले बल्लाल नाम का एक लड़का था। वह गणेश जी का परम भक्त था। एक दिन उसने पाली गांव में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजन कई दिनों तक चल रहा था। पूजा में शामिल कई बच्चे घर लौटकर नहीं गए और वहीं पर बैठे रहे। इस कारण उन बच्चों के माता पिता ने बल्लाल को पीटा और गणेश जी की प्रतिमा के साथ उसे भी जंगल में फेंक दिया। गंभीर हालत में बल्लाल गणेश जी के मंत्रों का जप कर रहा था। इस भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। तब बल्लाल ने गणेश जी से आग्रह किया अब वे इसी स्थान पर निवास करें। गणपति ने आग्रह मान लिया। इस तरह से भक्त बल्लाल के नाम पर ही इस मंदिर का नाम बल्लालेश्वर विनायक पड़ा। इस मंदिर की एक और खास बात है, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम विघ्नहर्ता के किसी भक्त के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर में भाद्रपद माह की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी के बीच गणेश उत्सव की धूम रहती है। देव जय देव जय मंगल मूर्ति और श्री मंगल दर्शन मात्रे कामना पूर्ति। जय देव जय देव। मंदिर में भगवान गणेश की आरती चल रही है। देव जय देव जय मंगल मुक्तो श्री मंगल मुक्ति धर्मारे माना कामना पूर्ति। जय देव जय देव वो गति तमन्नी पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव मिथ्या द्रव्यं तुमेव तुमेव सर्व मम देव कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा मोर्या। यह मंदिर मुंबई पुणे हाईवे पर पाली से टोयन मार्ग में और गोवा राजमार्ग पर नागोथाने से पहले 11 किलोमीटर दूर स्थित है।
मंदिर जाने के रास्ते में मंदिर के ही नज़दीक आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूजा सामग्री की दुकानें, भक्त सामग्री खरीद रहे हैं। इस मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक भगवान गणेश का दर्शन कर सकते हैं।